हेलो गाइस, कैसे हो? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, और बिल्डिंग मटेरियल में हमारा जो है चैप्टर सीमेंट चल रहा है। और आज हम सीमेंट के चैप्टर में आगे डिस्कशन करेंगे, कल जहाँ तक हमने डिस्कशन किया था उसके आगे। तो एक बार से देख लेते हैं कि कल के लेक्चर में जो है हमने क्या डिस्कस करा था। तो कल के लेक्चर में जो है हमने ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में पढ़ा था कि ये क्या कार्य करता है, इसका फंक्शन क्या होता है सीमेंट में, और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। फिर इसके बाद से हमने पढ़ा था फ्लैश सेटिंग टाइम क्या होता है, ये जाना था। फिर हमने जाना था ट्राई सॉरी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट क्या होता है, और ये सीमेंट में क्या कार्य करता है, ये जो है हमने जाना था। ठीक है, अब जो है आगे हम इसके कंटिन्यू करते हैं। और अब जो हमारा टॉपिक जो है इसके आगे ये है कि अगर सीमेंट में जो है हम C3S की मात्रा को क्या करें, बढ़ा दें। ठीक है, यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को हम लोग क्या करें, बढ़ा दें, और C2S की मात्रा को हम क्या करें, घटा दें, तो जो है सीमेंट जो है कैसा बन जाएगा, उस पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है हम डिस्कशन करेंगे कि अगर C2S की मात्रा को हम बढ़ा दें और C3S की मात्रा को जो है हम घटा दें, तो जो है सीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो है लिखते हैं, यहाँ पे जो है हम लिखते हैं यदि सीमेंट में C3S की मात्रा बढ़ जाए तथा C2S की मात्रा कम हो जाए तो सीमेंट पर निम्नलिखित सीमेंट पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। ठीक, तो अगर हम C3S की मात्रा को क्या करेंगे कि बढ़ा देंगे और C2S की मात्रा को जो है हम घटा देंगे, तो उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो जो है हम नीचे अभी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, पहले दूसरा कुछ नहीं, मतलब क्या क्या चीजें जो है घटित होंगी, ये जो है हम लिखते हैं। रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान, रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक, रेट ऑफ हीट ऑफ रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान बढ़ जाता है। देखो, यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान बढ़ जाता है, तो जब हम ऊपर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो C3S होता है
इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान होता है वो C2H से जो है ज्यादा होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान भी C2H का जो है ज्यादा होता है और C3H का ज्यादा होता है और C2H का जो है कम होता है। इसका जो है 500 होता है और इसका जो है 260 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि C3H की मात्रा बढ़ रही है। ज्यादा C3H होगा तो जो है ज्यादा तेजी से क्रिया होगी, और C3H ज्यादा होगा तो ऊष्मा भी जो है ज्यादा निकलेगी, ठीक है। फिर से टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, TOTAL, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो ये एक बॉक्स है और इसमें हम इमेजिन करें कि इसमें C3S और C2S है, तो हमने क्या किया है, C3S की जो है मात्रा बढ़ा दी है और C2S की मात्रा बढ़ा दी है। तो इस टोटल में जो है C3S की मात्रा ज्यादा है और C2S की मात्रा कम है। तो अगर हम देखेंगे तो C3S जो है ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है, 500 जूल प्रति ग्राम, और C2S जो है 260 जूल प्रति ग्राम जो है ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे C3S की मात्रा ज्यादा है, इस वजह से ये टोटल में से अगर हम ऊष्मा की बात करेंगे तो टोटल में से जो ऊष्मा निकलने का मान है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते हैं अगला पॉइंट, रेट ऑफ हार्डनिंग, रेट ऑफ हार्डनिंग का मान बढ़ जाता है। तो जो हार्ड होने का जो मान है, दर है, हार्ड होने की जो दर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो C3S है उसके कारण जो है हार्डनिंग जो है ज्यादा होती है और C2S के कारण जो है हार्डनिंग कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें जो है बढ़ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे 28 दिन की स्ट्रेंथ जो है क्या होगी, 28 दिन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 28 दिन की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी जो है बढ़ जाएगी, ठीक। फिर यहाँ पे संकुचन का मान जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पे संकुचन, संकुचन यानी कि श्रिंकेज, श्रिंकेज का मान, श्रिंकेज का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे श्रिंकेज का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पे जो है, एक बार से मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ जो ग्राफ मैंने बताया था। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ प्रदान करने का जो है सीक्वेंस है, तो C3S जो है ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और C2S जो है उससे कम प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये जो C2S जो है वो 28 दिन के बाद जो है अपना स्ट्रेंथ जो है प्रदान करता है, जबकि शुरुआती स्ट्रेंथ जो है C3S के कारण ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम दे रखा है तो 28 दिन के बाद जो है C2S स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और शुरुआती जो स्ट्रेंथ होता है वो C3S के कारण होता है। तो अगर हम C3S की मात्रा को जो है बढ़ा देंगे तो 28 दिन को जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर हम जो है, जब स्ट्रेंथ जो है 28 दिन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो यहाँ पे C3S के कारण जो हार्डनिंग का मान है वो भी जो है बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं श्रिंकेज का मान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब C3S जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि जो हाइड्रेशन होता है, तो उसके कारण जो है CSH जेल, जिसे हम टोबरमोराइट कहते हैं, ये बनता है। और इसके बाद से जो है 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो है कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। 3
जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड बनते हैं, और ये जो होता है ये चूना ही होता है हाइड्रेटिक लाइम, और ये पानी में घुल करके जो है वाटर के साथ जो है घुल करके ये बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे तीन कंपाउंड निकल रहा है और ये जो है घुल के बाहर आ जाएगा, जबकि C2S जो है रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे जो है एक ही कंपाउंड जो है बन रहा है और ये जो है घुल के बाहर आ जाएगा। तो जब हम C3S की मात्रा को अगर हम बढ़ा देंगे और C2S की मात्रा को बढ़ा देंगे, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, ये ज्यादा मात्रा में बनेगा, और ज्यादा मात्रा में बनेगा तो ये ज्यादा मात्रा में बाहर भी निकलेगा, और ये कम रहेगा तो CaOH2 जो है कम मात्रा में बनेगा तो ये कम बाहर निकलेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, ये ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा तो वहां पे क्या होगा, श्रिंकेज का मान जो है, संकुचन का मान जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर निकलेगा तो वो कॉन्क्रीट क्या होगी, सिकुड़ेगी, संकुचित होगी, श्रिंकेज होगा उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा कि श्रिंकेज का मान जो है बढ़ जाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ पे हम लिखते हैं अगला पॉइंट, FRUST, फर्स्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस का मान, फर्स्ट रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो 28 दिन की स्ट्रेंथ है, शुरुआती स्ट्रेंथ जो है ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से इसका मान जो है बढ़ जाएगा, केमिकल अटैक सहने की क्षमता जो है यहाँ पे कम हो जाएगी, केमिकल अटैक सहने की क्षमता कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है केमिकल अटैक सहने की क्षमता कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जो CaOH2 है ये घुल करके बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा, C3S के कारण जो है तीन कंपाउंड बनेंगे और ये घुल के बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा, तो कंक्रीट में जो है पोर्स हो जाएंगे, मतलब होल हो जाएगा, छेद हो जाएंगे, रंध्र हो जाएगा। तो उसमें जो है अगर कोई केमिकल जाएगा, या जो है मान लो कि एसिड रैन हो गया या कुछ भी बारिश हो गया केमिकली, केमिकल वाला, तो वो जो है उसमें जाके जो है इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, उसमें जाके जो है वो स्टोर हो जाएगा, और स्टोर हो जाएगा और वो केमिकल है तो वो जो है कंक्रीट के कंपोनेंट जो भी है, C3A है, C2S है, C3S है, C4AF है, और इनके अलावा जो है और भी कंपोनेंट, और भी जो है केमिकल कंपाउंड होंगे, तो वो जो है उनसे रिएक्शन करेगा, और वो जो रिएक्शन कर लेगा तो अब वो जो है सीमेंट कंक्रीट जो है नहीं रह जाएगा, कुछ और कंपाउंड जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है केमिकल अटैक सहने की क्षमता जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यूरिंग टाइम का मान जो है कम हो जाता है, CURING, CURING क्यूरिंग टाइम। क्यूरिंग जो है तराई को कहते हैं, जब हम किसी भी स्ट्रक्चर पे पानी डालते हैं तो उसी को हम तराई कहते हैं, इंग्लिश में जो है क्यूरिंग कहते हैं, तो क्यूरिंग टाइम जो है कम हो जाता है। तो तराई का जो समय है वो कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि C3S के कारण जो है स्ट्रेंथ है वो जो है बहुत ही ज्यादा जो है शुरुआत में डेवलप हो जाता है, इस कारण से जो है क्यूरिंग टाइम का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, फिर क्यूरिंग हम क्यों करते हैं, तराई क्यों करते हैं, ये सब जो है हम कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में जो है डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे फॉर्म, FORM, फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क जल्दी हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम जो है फॉर्म वर्क जो है जल्दी हटा सकते हैं, जो भी हम जो है जैसे मान लो बीम है, तो बीम को बनाने के लिए जो है हम नीचे से सपोर्ट देते हैं, साइड में जो है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ये जो है खंभे लगाए रहते हैं, खंभे क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेचिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो
ये सब जो है हम यहाँ पे लकड़ी के जो है फट्ठे लगा करके और इसको सपोर्ट दिए रहते हैं, तो ये एक निश्चित शेप में जो है 3-4 दिन में ये जो है अपने शेप में आ जाता है। तो क्या होगा कि जब इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी तो हम इसे जो है जल्दी से हटा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ आ जाएगी तो ये अपना लोड जो है खुद जो है सह सकता है। इस वजह से जो है हम फार्म वर्क को जल्दी से हटा सकते हैं। तो ये जो है पॉइंट है कि अगर हम C3S की मात्रा को सीमेंट में बढ़ा देते हैं और C2S की मात्रा को जो है हम कम कर देते हैं, तो जो है क्या क्या जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम फिर बात करेंगे कि अगर हम C2S की मात्रा को जो है कम कर देते हैं, C3S की मात्रा को कम कर देते हैं और C2S की मात्रा को अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम कम कर देंगे C3S की मात्रा को, जब हम कम कर देंगे और C2S की मात्रा को जब हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें बढ़ गई थी वो उस वाले में घट जाएंगी और जो भी चीजें यहाँ पे घट गई थी वो वाली चीजें जो है बढ़ जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है नोट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जल्दी, यदि सीमेंट में C2S की मात्रा C2S की मात्रा अधिक हो तथा C3S की मात्रा C2S की मात्रा अधिक हो तथा C3S की मात्रा कम हो, तो सीमेंट पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो सीमेंट पे जो है निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है ये हम देखेंगे। तो वहां पे जो है जो भी चीजें बढ़ रही थी वो अब जो है घट जाएंगी और जो भी चीजें घट रही थी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान घट जाता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि जो है C2S की मात्रा जो है ज्यादा है और C3S की मात्रा क्या है, कम है। तो ये जो है धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान कम होता है, इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान ज्यादा होता है। तो चूंकि ये ज्यादा मात्रा में है ये कम मात्रा में है, तो टोटल की अगर हम बात करेंगे तो वो रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान कम हो जाता है। ठीक, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान कम हो जाता है।
तो टोटल की बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर रेट ऑफ हार्डनिंग का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। रेट ऑफ हार्डनिंग भी क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो 28 दिन की स्ट्रेंथ, 28 दिन की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाती है। तो यहाँ पे 28 दिन की जो स्ट्रेंथ है वो भी जो है कम हो जाती है। ठीक, फिर यहाँ पे बात करेंगे संकुचन का मान कम हो जाता है। संकुचन का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। FRUST, फ्रस्ट। फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे CHEMICAL, केमिकल अटैक सहने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे बात करेंगे क्यूरिंग टाइम बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे फॉर्म वर्क देर से हटाया जाता है। तो जो भी चीजें जो है C3S में जो हम पढ़े थे उसके ठीक जो है उल्टा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि C2S का जो रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान है वो कम होता है और C3S का जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान जो है होता है वो ज्यादा होता है। हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है और यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान है। तो यहाँ पे C3S का जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान है वो ज्यादा है और C2S का जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या है, कम है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है पानी के साथ क्रिया, यहाँ पे केवल पानी के साथ क्रिया करने का यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रेशन का क्रम, ठीक है। यहाँ पे पानी के साथ क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे केवल हाइड्रेशन का क्रम है और यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन का क्रम है, ठीक है। मैंने समझाया होगा आपको, एक बार फिर से मैं यहाँ पे देखो हर चीजें जो है हर बार जो है दिमाग में नहीं आती है, तो जो चीजें जब आती हैं वो चीजें जो किसी के दिमाग में, कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, दो बैच को पढ़ा रहा है तो दोनों बैच को जो है हो सकता है कि बहुत सारा जो है नॉलेज ना मिले, कभी कुछ जो है मिलता रहता है। तो यहाँ पे पानी के साथ क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला का मतलब है कि सबसे पहले रिएक्शन पानी के साथ करना कौन शुरू करेगा, तो सबसे पहले जो है शुरू करेगा C3A, उसके बाद C4A, फिर C3S और फिर यहाँ पे C2S। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कितनी जल्दी जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, ठीक है ना। रेट की बात हो रही है, रेट की, जैसे कि कोई दो चार बंदे हैं और चार बंदों में रेस शुरू हुई, ठीक है ना। तो चार बंदे हैं यहाँ पे, यहाँ पे रेस शुरू हुई तो सबसे पहले दौड़ना किसने स्टार्ट किया, तो इसने दौड़ना स्टार्ट किया, फिर इसने, फिर इसने, फिर इसने, ठीक है। तो सबसे पहले इसने दौड़ना स्टार्ट किया, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सबसे जल्दी तेज दौड़ेगा,
ठीक है ना। तो जो पहले दौड़ना स्टार्ट किया, ये जरूरी नहीं है कि वो सबसे तेज दौड़ेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे पहले किसने दौड़ना स्टार्ट किया, और इस वाले में बात हो रही है कि कौन तेज दौड़ रहा है। समझ गए ना आप? तो यहाँ पे सबसे पहले ये रिएक्शन करना शुरू करेगा, फिर ये। अब सबसे तेजी के साथ ये रिएक्शन करेगा, फिर इसके बाद से C3A, फिर C3S और C2S जो है लास्ट में, ये होता है। तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान जो है कम हो जाएगा, घट जाएगा। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान जो है कम हो जाएगा, क्योंकि C2S के कारण जो है कम ऊष्मा निकलती है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेट ऑफ हार्डनिंग का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि C2S जो है ज्यादा मात्रा में है और ये जो है कम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। 28 दिन की स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी, समझ गए ना। फिर संकुचन का मान कम हो जाएगा, क्योंकि C2S जो है ज्यादा मात्रा में है, तो इसके कारण जो है केवल एक ही कंपाउंड जो है निकलेगा, CaOH2, जिसकी वजह से संकुचन क्या होगा, कम होगा। ये घुल के जो है बाहर आएगा, तो कम मात्रा में आएगा क्योंकि कम बन ही रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस का मान जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है क्या है, वो कम हो गई है। केमिकल अटैक सहने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि CaOH2 जो है कम मात्रा में बन रहा है, और ये कम मात्रा में निकलेगा तो कम जो है उसमें पोर्स होंगे कंक्रीट में, तो कम पोर्स होंगे तो उसमें जो है जो केमिकल जाएगा उसके रुकने की जगह जो है कम होगी, तो जो रुकने की जगह कम होगी तो जो है क्या होगा कि वो कम रिएक्शन करेगा, और कम रिएक्शन करेगा तो जो है इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, केमिकल अटैक सहने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्यूरिंग टाइम जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ इसलिए जाएगा क्योंकि C2S के कारण जो है जो स्ट्रेंथ है वो कम ग्रहण होगी, तो पूरा स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप होने में, इतना डेवलप हो कि जो है स्ट्रक्चर अपना लोड को खुद जो है वियर कर सके, इसके लिए जो है वहां पे क्या करना होगा, हमें तराई ज्यादा करना होगा। तराई हम क्यों ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब हम जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम जब कास्टिंग करके, यानी कि जब हम ढाल के उसे छोड़ देते हैं, तो जब वहां पे धूप निकलती है या हवाएं चलती है, जो भी होगा, मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है तो उस पर धूप तो पड़ेगा ही, क्योंकि सबसे वो बाहरी स्ट्रक्चर होता है या जो भी होता है, तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो है वहां पे इवेपोरेशन होगा, या यहाँ पे जो C3A, C3S, C2S, C4AF, ये जितने भी सारे कंपाउंड हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पे अंदर जो है हीट जनरेट होती है, तो इस हीट के कारण और बाहरी जो है इन्वायरमेंट के कारण जो है यहाँ पे वाष्पित होगा, तो ये स्ट्रेंथ जो है कम ग्रहण कर रहा है, जिसके कारण जो है पानी क्या होगा, इवेपोरेट होकर जो है जल्दी जल्दी उड़ जाएगा। तो जितने भी सारे कंपाउंड हैं, C3S और C2S के जितने भी सारे कंपाउंड हैं, इस टोटल को जो है रिएक्शन कराने के लिए हमें जो है पानी की आवश्यकता होगी, इस कारण से जो है हम पानी की तराई करते हैं। तो यहाँ पे तराई का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको इसको पूरा जो है रिएक्शन करा देना है पानी के साथ। समझ पाए, जो भी सीमेंट के कण हैं उनका जो है रिएक्शन पूरी तरीके से करा देना है, ताकि वो जो है C2S और C3S जो है ये अच्छे से जो है डेवलप हो पाए। तो वहां पे जो है क्यूरिंग टाइम का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे फार्म वर्क को देर से हटाया जाएगा, देर इसी वजह से हो जाएगी क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, और जब तक तो किसी स्ट्रक्चर में प्रॉपर स्ट्रेंथ ग्रहण नहीं कर पाएगा, अगर हम हटा देंगे फार्म वर्क को, तो वो जो है कोलैप्स हो जाएगा, ढह जाएगा, ठीक है ना, गिर जाएगा। तो जब तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ जाती, तब तक हम उसे जो है सपोर्ट प्रोवाइड किए ही रहेंगे, तो इसी वजह से फार्म वर्क को जो है हम यहाँ पे देर से हटाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर सीमेंट के जो कण हैं उनकी फाइननेस बढ़ा देंगे, अगर हम उसको और महीन कर देंगे, तो जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, सीमेंट के कणों की फाइननेस बढ़ा दें तो सीमेंट पर
निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा? अगर हम सीमेंट के कणों की जो है फाइननेस को बढ़ा देंगे तो जो है सीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जो है देखना चाहते हैं। तो इसको जो है हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान बढ़ जाता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान जो है बढ़ जाता है। ये सारे पॉइंट पे जो है हम डिस्कशन करेंगे, पहले जो है लिख लेते हैं। फिर दूसरा क्या होगा, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान यहाँ पे आप लोग गेस करो कि ये जो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, और फिर यहाँ पे पॉइंट है हार्डनिंग की दर बढ़ जाती है। तो ये सारे पॉइंट हैं। अगर हम सीमेंट के कणों की जो है फाइननेस को बढ़ा दें, सूक्ष्मता को बढ़ा दें, तो जो है सीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो है हमने नोट किया है। तो देखो हमने किया क्या है कि पहले जो सीमेंट के कण थे वो जो बड़े बड़े कण थे, तो सीमेंट के जो कण थे वो बड़े बड़े थे। अगर हम इन्हीं बड़े बड़े कणों को और महीन कर दें, फाइननेस का मतलब है कि इसे जो है हम और महीन कर दें, तो इन कणों को जो है हमने और महीन पीस दिया, ठीक है। तो और जब हम महीन कर देंगे तो जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले देखो कण जो है बड़े बड़े हैं, अब जो है कण क्या हो गए हैं, छोटे छोटे हो गए हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाइड्रेशन यानी कि जो है वाटर के साथ जो है क्रिया करने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होगा। ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, सरफेस एरिया का खेल। यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया का खेल है, ठीक है। हो सकता है मैं पीछे वीडियो में डिस्कस किया हूँ, 1 महीने से मैंने कुछ भी बताया नहीं है, मैंने खुद जो है कोई भी लेक्चर या कुछ पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से जो है मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार मैं डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लो कि हम लोग पनीर लाते हैं, पनीर का टुकड़ा, तो ये एक बड़ा सा टुकड़ा है, तो इसका जो है सरफेस देखो, इसका सरफेस देखो, तो एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, तीन सरफेस ये हो गए, और एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और एक नीचे हो गया, 6 सरफेस हो गए, है ना। तो ये जो है इसका टोटल सरफेस है, और इसी सरफेस का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये मान लो क्यूब है, तो इसकी साइज मान लो ये जो क्यूब की साइज है वो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये एक साइड जो है 2 सेंटीमीटर का, तो ऊपर का एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ऊपर का एरिया है। ऐसे कितने हैं, तो ऐसे 6 फलक हैं, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार, पांच, और ये 6। तो 6 × 4 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका ये एरिया हो गया इस बड़े क्यूब का, समझ रहे हो। अब हम क्या करते हैं,
अब हम क्या करते हैं कि इस बड़े क्यूब को ही हम अब 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में जो है परिवर्तित कर देते हैं, समझ पाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में जो है मैं इसे जो है परिवर्तित कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ पेन। तो अब यहाँ पे ये वाला जो क्यूब बना है, एक ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब बना है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर का। अब ऐसे जो है कितने क्यूब बन गए हैं, तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, चार ऊपर, ठीक है ना, और चार नीचे, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां, सातवां तो यही रहेगा, सातवां ये रहा, और एक जो है पीछे रहेगा, आठवां। तो चार और चार जो है 8 क्यूब बन गए हैं, ठीक है, 8 क्यूब बन गए हैं। अब हमें निकालना है कि इसका जो है सरफेस एरिया कितना होगा। तो अब मैं जो है इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले को, एक को जो है मैं यहाँ पे ला देता हूँ, ठीक है। ऐसे जो है 8 क्यूब हैं, अब एक को जो है मैंने ले लिया है, अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ। तो अब जो है ये 1 सेंटीमीटर का इसका साइड हो गया है, ठीक है ना। पहले ये इसकी साइड जो है 2 सेंटीमीटर की थी, उसको मैंने आधा आधा कर दिया, तो अब जो है ये इसकी साइड जो है 1 सेंटीमीटर की हो गई है। अब मुझे जो है एरिया निकालना है। तो इस क्यूब के कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, ठीक है। और एक फलक का एरिया कितना होगा, 1 × 1, यानी कि एक क्यूब का जो है टोटल एरिया कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे कितने जो है क्यूब हमने बनाए हैं, 8। तो 8 × 6 यानी कि 8 × 6 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो ऊपर वाला जो क्यूब है, जिसका साइड जो है, मतलब वो 2 सेंटीमीटर का जो क्यूब था, उसका टोटल एरिया जो है, टोटल सरफेस का जो एरिया है, सरफेस का मतलब जो इसके बाहरी फलक का जो बाहरी सरफेस का जो एरिया है, वही तो हमने कैलकुलेट किया है। तो ये जो बाहरी सरफेस का जो टोटल एरिया है इस 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब का, वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमने क्यूब को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने बना दिया। तो उतने में ही इस 2 सेंटीमीटर का जो क्यूब था, उसमें से ही 8 क्यूब बन गए, और इसका जो एरिया है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से ये पता लगता है कि कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल जो बड़ा है, उसी को अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल में जो है कन्वर्ट कर देंगे, तो इस बड़े का जो सरफेस एरिया होगा, उससे ज्यादा जो है इन छोटे छोटे कणों को, सारे को मिलाएंगे, तो इसका जो है सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की, तो जितना इस 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब का जो आयतन होगा, उतना ही जो है इन 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब का आयतन होगा, इन सारे को अगर हम मिलाएंगे तो। समझ पा रहे हो ना, जैसे ये पहले 2 सेंटीमीटर का क्यूब था, तो इसका जो आयतन था वो तो वही था। अब हमने इसे 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में जब चेंज कर दिया, तो इन सारे को जब हम मिलाएंगे, तो इन सारे का आयतन तो वही रहेगा, उतना ही, आयतन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन हम जब इसे छोटे में चेंज कर रहे हैं, छोटे साइज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया हो रहा है क्या, बढ़ रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हम पहले जो बड़े सीमेंट के पार्टिकल थे, उसे हम जब ने पहले जो सीमेंट के पार्टिकल बड़े थे, फिर जब हमने उसे जो है छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो सीमेंट का जो टोटल सरफेस एरिया था, वो जो है बढ़ गया, वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान कैसे बढ़ा, जब सरफेस एरिया जो है ज्यादा बढ़ गया, तो पानी जो है ज्यादा टच होगा, पानी जो है सीमेंट के सरफेस पे तो टच होगा, सीमेंट के जो कण होंगे उसके सरफेस पे ही तो पहले पानी टच होगा। तो जब सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो पानी जो है ज्यादा टच होगा। तो जब पानी जो है टच में ज्यादा आएगा सीमेंट के पार्टिकल के बीच, तो वहां पे उनके कणों के बीच और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस कारण से यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
फिर यहाँ पे रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है और ज्यादा जो है पार्टिकल जो है सीमेंट के कणों के संपर्क में आ रहे हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो ज्यादा जो है सीमेंट के कणों के संपर्क में आ रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी टोटल नहीं, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि जल्दी जल्दी जो है उष्मा निकलेगी, जब जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा तो जल्दी जल्दी उष्मा भी निकलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बात हो रही है कि टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो यहाँ पे जो है टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान जो है न तो बढ़ेगा और न ही क्या होगा घटेगा, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्यों अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि हम जो है मान के चल रहे हैं कि हमने जो है पहले जितना वॉल्यूम या जितना केजी जो है सीमेंट लिया था जिसके कण क्या थे बड़े साइज के थे, उतने ही केजी सीमेंट को हमने छोटे साइज के कणों में जो है परिवर्तित कर दिया, तो अब हमने जो है जितना सीमेंट का जो कण था उसको तो उतना ही रखा है, जितना केजी सीमेंट था वो सीमेंट हमारा तो उतना ही केजी है, बस फर्क ये हुआ है कि यहाँ पे जो है सीमेंट के जो कण हैं वो जो है छोटे छोटे हो गए हैं, ठीक है ना। अब जो है हमने जो ऊपर पढ़ा था कि जो जैसे मान लो कि C3S है, इसका जो है ऊष्मा उत्पन्न करने की जो दर है वो 800 500 जूल प्रति ग्राम है, C2S है वो जो है क्या है कि वो जो है 260 जूल प्रति ग्राम जो है ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी का जो क्वांटिटी है वो तो उतना ही है केजी में, तो यहाँ पे जो ऊष्मा है वो तो जितना पहले वाले में निकलनी चाहिए थी उतना ही इसमें ही निकलेगी, इसमें कोई अंतर जो है नहीं होगा, इसी कारण जो है टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। जितना जूल जो है पहले जितने बड़े कण थे उसमें निकलेगी उष्मा, उतना जूल ही जो है छोटे कण हो जाएंगे तो भी निकलेगी, क्योंकि जो उसकी क्वांटिटी है वो जो है हमने चेंज नहीं करी है, समझ पाए। और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस का मान जो है बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सीमेंट के कण छोटे छोटे हो जाएंगे तो ये वाटर के साथ जो है बहुत अच्छी तरीके से रिएक्शन कर लेंगे, और जब ये अच्छी तरीके से रिएक्शन कर लेंगे तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा डेवलप हो जाएगी, जिसके कारण जो है क्या होगा कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का मान जो है बढ़ जाएगा और हार्डनिंग की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल छोटे हो गए हैं, सरफेस एरिया बढ़ गया है, वाटर के साथ रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, तो वाटर के साथ रिएक्शन जो है ज्यादा होगा तो CHS, CSH जो है जेल ज्यादा बनेगा, जो कि हार्डनिंग को प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इस कारण से हार्डनिंग की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें थी मैंने आपको बता दी, यहाँ पे जो है एक बात यही याद रखना है कि जो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो सीमेंट पहले जितना हम मान के चल रहे हैं कि पहले जो है हमने 10 केजी सीमेंट लिया था जिसके कण जो है बड़े साइज के थे, अब हमने उसी 10 केजी सीमेंट को जो है छोटे साइज के कणों में जो है कन्वर्ट कर दिया है, तो जो जूल प्रति ग्राम जो है उसमें जनरेट हो रही है हर एक कंपोनेंट के कारण, जैसे C3A, C4A, C2S के कारण, वो तो उतना ही उसमें जनरेट करेगा, क्योंकि जो है पहले जितना सीमेंट केजी जितना केजी पहले सीमेंट था उतना केजी सीमेंट जो है अब भी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, समझ गए ना। यहाँ पे जो है हम एक ब्रैकेट में करके लिख लो इसके नीचे, नो AMOUNT अमाउंट चेंज, हमने जो है जो सीमेंट के जो जो भी हमारा सीमेंट था उसकी जो है मात्रा को हमने चेंज नहीं किया, हमने बस केवल ये किया है कि पहले उसके कण बड़े थे, अब हमने उनके कणों को जो है छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है,
तो ये पॉइंट जो है याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में जो है ये पूछेगा, ठीक है। तो अभी जो है कितना हो गया टाइम, एक बार मैं चेक करता हूँ। तो अभी जो है 45 मिनट हो गए हैं। अब मैं जो है इस वीडियो को जो है यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और कल के लेक्चर में जो है हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। और हम कल के लेक्चर में जो है फाइनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमने देखा कि फाइनेंस को हम जो है चेंज कर रहे हैं, तो जो है क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। जब सीमेंट के कण बड़े होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे आप एक ऐसे समझो, जैसे कोई भी चीज बड़ी है, ये एक चीज बड़ी है, और इसी को हमने तोड़ के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो मान लो कि इस चीज को जब आप पानी में डुबोगे, पानी में डुबा दोगे, तो पानी में मान लो कि ये डूब गया है, तो ऊपर सबसे पहले पानी जो इसके बाहरी सरफेस पे टच होगा, ठीक है ना, सबसे पहले पानी क्या होगा, बाहरी सरफेस पे टच होगा। और ये जो भी चीज है, इसके अंदर वाले जो कण है उसको टच करने में क्या होगा, पानी को टाइम लगेगा थोड़ा। पहले बाहर को टच करती हुई आएगी, उसको गीला करती हुई आएगी, तब जाके ना यहाँ पे आके टच करेगी, इसको इसके साथ रिएक्शन करेगी या इसको गीला करेगी। जबकि हम इसी को जब छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे इसके बाहरी सरफेस को टच करेगी, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे जो कण होगा, इसको टच करने में इसकी तुलना में क्या होगा, कम टाइम लगेगा। समझ पा रहे हो। तो वही चीज होता है, जब कण जो है सीमेंट के बड़े होते हैं, तो इसके साथ जो है पूरे, अभी ये बड़े कण है तो इसके अंदर भी तो छोटे छोटे कण होंगे, तो इन छोटे छोटे कणों के साथ जो है पानी को रिएक्शन करने में थोड़ा सा जो है ज्यादा टाइम लगता है। जब हम इन्हीं कणों को और छोटे छोटे कणों में चेंज कर देते हैं, तो इसके अंदर वाले जो कण होते हैं, यहाँ पे जो है पानी को रिएक्शन करने में इनके साथ जो है कम टाइम लगता है, और यहाँ पे जो है ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से जो है ये अंतर आ जाता है। तो कल जो है, कल के लेक्चर में हम लोग है सरफेस एरिया के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में और फाइननेस के बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो फाइननेस से जो है सीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये तो हमने देख ही लिया है कि अगर हम कोई भी चीज जो है जितना ज्यादा जो है सूक्ष्म रहेगी, वो उतना ही ज्यादा जो है अच्छे से रिएक्शन करेगी। उसके जितने भी सारे कण होंगे, सीमेंट के जितने भी सारे कण होंगे, वो वाटर के साथ जो है अच्छे से रिएक्शन कर पाएंगे। तो अब जो है यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि मान लो कि कोई हमें कोई ऐसा सीमेंट हमें बनाना है जो क्या करे कि तुरंत ही जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दे, मतलब बहुत कम टाइम में जो है स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर दे। तो जब हमें कुछ ऐसा सीमेंट बनाना होगा जो बहुत ही जल्दी जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो फाइननेस होगी, उसकी जो सूक्ष्मता होगी, वो हम बढ़ा देंगे, यानी कि उसे हम बहुत महीन बनाएंगे। समझ रहे हो ना। अब ये जो महीन और मोटा बनाने का जो खेल है, उसमें जो है टाइम लगता है और उसमें जो है मेहनत लगती है। मेहनत क्या समझ जाओ, जो है कॉस्ट लगता है। जैसे मान लो कि आप जो है गेहूं पिसाने जाते हो, तो गेहूं पिसवाने जाओगे तो वहां पे मोटा पिसने को कहोगे तो बहुत जल्दी मोटा पिस देगा, लेकिन महीन पिसने को कहोगे तो वो जो है महीन पिसने में जो है टाइम लगेगा, और उसका जो बिजली का खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा, कास्ट भी बढ़ेगा। तो उसी तरीके से जो सीमेंट है, जो क्लिंकर बन के आएगा, रोटरी किल्न से जो क्लिंकर बन के आएगा, उसे हम पीस देते हैं, तो पीसने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है उसे हम सीमेंट कहते हैं। तो मोटा पीसेंगे तो जो है कम टाइम लगेगा, कम खर्चा आएगा, ज्यादा महीन पीसेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा और जो है क्या होगा, ज्यादा खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है अंतर होता है। और जब हमें जो है हाई स्ट्रेंथ वाला सीमेंट बनाना होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ ग्रहण करने वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सीमेंट की जो सूक्ष्मता है उसको जो है हम बढ़ाएंगे, और नॉर्मल सीमेंट अगर हम बनाना होगा तो उसकी जो सूक्ष्मता है वो हम कम भी रखेंगे तो चल जाएगा। समझ गए ना। तो बस कल के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलेंगे जो है कल के लेक्चर में।